हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि दिवाली में सभी के घर में मार्केट से लाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम मेहनत में ये बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी, जिससे इस दिवाली आप घर में आसानी से ये बर्फ़ी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी से बर्फ़ी का स्वाद और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप घी का यूज़ ज़रूर करें। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बाउल बेसन। बेसन अगर आपने मोटे वाले लिए हैं तो इसको अच्छे से छान लें, उसके बाद से फिर इसकी बर्फ़ी बनाएं। तब बेसन को अच्छे से हम घी में मिक्स करेंगे। अगर बेसन चलाने समय घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसके ऊपर से घी और भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी को पिघलाकर ऊपर से और डाल रही हूँ। अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल घी की क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है कि बेसन उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं से भी ड्राई ना लगे देखने में। अब हम इसे अच्छे से लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है। जैसे जैसे हम बेसन को भूनेंगे, ये घी को रिलीज़ करेगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली होती जाएगी। अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम इसे लगातार इसी तरीके से लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद बेसन हल्का हल्का घी को रिलीज़ करने लगा है और ये जैसे जैसे कुक हो रहा है वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ने लगेगी। पहले एकदम थोड़ा सा दिख रहा था, अब देखिए इसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है और साथ में ये हल्की सी पतली भी होते जा रही है। तो हमें बेसन को कुल 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भुनना है, ताकि इसमें कोई कच्चापन ना लगे खाने में। तो 6 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बेसन जो है एकदम पतली होना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि घी को इसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आपको हल्का महसूस होने लगेगा जब आप इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो, और अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई, यानी कि बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। आप जितना बेसन ले उससे आप आधा इसमें चीनी डालें, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पे बिना चाशनी के आज बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ, जिससे आपको चाशनी बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। अब बर्फ़ी के टेस्ट को थोड़ा सा और डबल करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से आपके जो बर्फ़ी का टेस्ट है वो एकदम यूनिक आएगा और एकदम मावे खोवे के जैसा आपका बर्फ़ी बन के तैयार होगा। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है बेसन, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लें, इससे आपके मिल्क पाउडर भी मिल जाएंगे और साथ में बेसन भी अच्छे से पतली हो जाएगी। तो ये काफ़ी ड्राई हो रहा है मिक्सचर। हमें बर्फ़ी बनाने के लिए जो मिक्सचर है वो एकदम पतली चाहिए, ज़्यादा ड्राई और सूखी भी नहीं चाहिए। अगर सूखी हुई रहेगी हमारी मिक्सचर तो बर्फ़ी हमें अच्छे से परफेक्ट शेप में नहीं मिलेगी और ना ही वो जम पाएगी। तो हमें बिल्कुल इस तरीके से हल्का गीला गीला रखना है, जैसे हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही गीला गीला हमें मिक्सचर को रखना है। तो यहाँ पर अच्छे से सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हो चुके हैं। आप इस स्टेज पे भी इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या तो फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और बर्फ़ी जमाने के लिए बर्तन को तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक गहरे एज का बर्तन ले रही हूँ, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें मैंने नीचे बेस पे बटर पेपर लगा दिया है, ताकि हमारी बर्फ़ी चिपके ना। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नीचे अच्छे से घी से इसे ग्रीज कर दें। अब इस सारे मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा काजू भी डाल दिया था। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा कितना गीला है, आपको बिल्कुल ऐसे ही गीला गीला इसमें मिक्सचर को डालना है। अब सारे मिक्सचर को हम अच्छे से फैला देंगे और इसे बराबर से हम इस शेप दे देंगे। अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जैसे कि काजू, बादाम, आलमंड्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं। ताजे में ही आप इस पे से
ड्राई फ्रूट्स डाल के हल्के हल्के हाथों से दबा दें ताकि ये पूरी तरीके से बर्फ़ी में सेट हो जाए, क्योंकि सूखने के बाद फिर ये ऊपर से अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो ये बर्फ़ी में सेट नहीं होगी। अब हम इसे फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर हम बर्फ़ी की कटिंग करेंगे। तो 1 घंटे हो गए हैं, देखिए बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी प्यारा कलर भी आया है इसमें। अब हम इस तरीके से हाथों की सहायता से इसे निकालेंगे। मैंने नीचे में पेपर लगाया था इसलिए आसानी से ये निकल गया है, लेकिन अगर आपने पेपर का यूज़ नहीं किया है तो आप इस बर्तन में ही कटिंग कर दें, फिर उसे निकालें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप बर्फ़ी को रेक्टेंगल शेप में या फिर चौकोर शेप में भी कर सकते हैं कटिंग। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ। देखिए एक उठा कर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा बर्फ़ी बन के तैयार हुआ है। चारों तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से ये परफेक्ट जमा है और बना भी है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम एकदम शुद्ध देसी घी में घर पे बनी हुई बेसन की बर्फ़ी, काफ़ी यमी लगता है ये खाने में और सभी को पसंद भी आती है। तो इस दिवाली आप घर पे ज़रूर बनाएं इस बेसन की बर्फ़ी को बिना कोई झंझट बिना कोई मेहनत के। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।